हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। और मैं हूँ अंशिता। और शुरू करते हैं आज का व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट किया है मैंने, शाम का बज गया है 4:15। काम करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। और मैं यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ दिखाती हूँ आपको। हमारा जो बचपन था वो खिलौनों के साथ, मिट्टी के साथ, भाई बहनों के साथ चलता था। खेलते कूदते थे, बहुत सारी गेम्स होते थे, घर के बहुत गेम होते थे, बाहर के बहुत गेम होते थे। बट आज की जो जनरेशन है ना, उनके पास एक ही गेम्स हैं, और वो भी विद दी न्यू टेक्नोलॉजी। या तो उनके पास आईपैड्स होते हैं, या उनके पास मैकबुक्स हैं, लैपटॉप्स हैं, और वही सारे गेम्स जो वो ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। मेरे को तो अभी तक समझ में नहीं आता ये लोग खेलते कैसे, क्योंकि मुझे एक भी गेम खेलना नहीं आता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज घर पे ना, छोटू बड्डू आरू ये लोग सारे जने आए हुए हैं, और बहुत टाइम बाद आए हैं ये लोग यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे साथ है, अरे इसको कम कर दो भाई इसकी वॉल्यूम। इन लोगों ने पूरा एक सेटअप कर रखा है। आज मेरा जो रूम है ना, एकदम स्टूडियो रूम से कम नहीं लग रहा है यहाँ पे, बच्चों वाला जो रूम है। यहाँ पे ये आ गया है आरू, ये अभी मणिपाल यूनिवर्सिटी में से एडमिशन लिया है और बीटेक कर रहा है वहाँ से। और वो है छोटू, जिसको हम श्रियांश बोलते हैं, और ये है बड्डू, जिसको बोलते हैं प्रियांश। ये तो देख ही नहीं रहे, भाव बहुत खतरे है यार, ये बहुत भाव खतरे है। और वहाँ इनकी बहन जो बहुत ज़्यादा बिगड़ गई अपने भाइयों के चक्कर में, और वो भी फ़ोन लेके बैठी है। तो अब देखो सारे के सारे, और ये विधान, और ये गाइस सीरियसली सेटअप बड़ा अच्छा है, कंट्रोलर भी अच्छा है। और ये सारे जने लैपटॉप्स में, माउस में, और पता नहीं, और ये मेरे मैकबुक को इन्होंने अलग से डाल दिया कोने में कचरे के भाव में, यही काम आने वाला है मेरे फाइनली। और गौरी लगी हुई है फ़ोन में, और ये गुस्सा आ गया है इसको क्योंकि मैंने इसको दिखा दिया है। और ये सारी चीज़ें जब वेदांत के पापा देखेंगे तो बोलेंगे वाह वेदांत तो बहुत सारी पढ़ाई करता है ना वेदांत। ये एक्सप्रेशन देख लाएंगे वेदांत की है। तो तुम लोग हाय तो कर दो यार सबको, हाय कर दो सारे जने, हाय कर देना हमारे लैपटॉप वगैरह। हाँ, और ये है आज की टेक्नोलॉजी विद आर्मी। तो ना आप लोग को कुछ नॉलेज की बात करी जाए तो, क्योंकि मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है इन लोग के कंप्यूटर, सॉरी इन लोग के जो लैपटॉप है वो कौन सी कंपनी के। एचपी का नाम आता है और एक डेल का नाम आता है, बाकी मुझे कोई भी नाम पता नहीं है ब्रांड के। इन लोगों से पूछती हूँ कि आरू के पास कौन सा है। आरू तुम्हारे पास कौन सा है? ये एसर एडर हीलियस 300। इसमें आईसन 11 जनरेशन है, और ग्राफिक कार्ड इसका RTX 3060। ओके, और ये क्यों खरीदा है तुमने? अभी इसने रिसेंटली परचेज किया है ना, तो मतलब ये इसमें कूलिंग सिस्टम इसका काफी अच्छा है। ओके, और मतलब एसर एडर है काफी ट्रस्टेड सीरीज भी है, तो फिर गेमिंग में इस रेंज में काफी अच्छा ऑप्शन है। ओके, और ये बड्डू का है HP Pavilion Gaming। कौन सा है ये? और अब चलते हैं छोटू के पास। ये बेचारा एकदम सन्नाटे में बैठा है, इन लोगों ने इसको बाहर निकाल दिया है अपनी गैंग से, है ना छोटू? Cuz I'm not on gaming laptop, so that's why they just outnumbered me. इन लोगों ने बाहर निकाल दिया है इसको, क्योंकि इनके पास गेमिंग वाले हैं, ये विदाउट गेमिंग वाला, ये पढ़ाकू बच्चा है हमारे सबसे ज्यादा। और ये रहा इसका लैपटॉप, और इसका जो वॉलपेपर है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। एवेंजर है ये? No, it's a Transformer, Optimus Prime. Okay, Transformer. और ये वाला कौन सा है लैपटॉप? It's HP Pavilion, thin and light, Ryzen 5 3500U and Radeon Vega. Okay, और वो मेरा बहुत ही प्यारा सा MacBook है, जिसको मुझे चलाना बहुत मुझे पता नहीं है। हाँ, जिसकी configuration मुझे पता नहीं है, but मुझे इसको चलाना आता है। चलाने से मतलब है, configuration से क्या मतलब है, है ना? मेरे पास मेरा सबसे प्यारा iPad। और विदान के पास इसका iPad है, क्योंकि वेदांत अभी इसको खेलेगा नहीं, क्योंकि अपने भाइयों के साथ गेम खेलना चाहता है। तो ओवरऑल इन लोगों के पास बहुत नॉलेज है हम लोगों से ज़्यादा। हम को कोई भी प्रॉब्लम आती है ना, हम सीधे इनको पूछते हैं कि बेटा ये बताओ कैसे करना है, एक्सपर्ट है ये सारे। अभी लाइट ऑफ करके मैं दिखाती हूँ इन लोगों का सेटअप कितना माइंड ब्लोइंग लग रहा है ना। लाइट ऑफ कर देते हैं अभी, रात को और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लग रहा है ना कि मैं स्टूडियो रूम की जैसे स्टूडियो में आ गए हैं। अभी बाहर से लाइट आ रही है एकदम, रात को मैं दिखाऊंगी इन लोग का सेटअप। और ये ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा बिजी सा काम कर रहे हैं, काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, खेल रहे हैं सारे के सारे।
चलो फाइनली हम लाइट ऑन करते हैं और यहाँ पे सारी गौरी की फोटोज है, लाइट ऑन कर देते हैं ताकि मेरी शक्ल दिख जाए आप लोगों को। और ये क्या, ये क्या चीज है भाई, ये क्या है, ये स्पीकर, स्पीकर है किस चीज का? ये सारे का मिनी है। अरे अच्छा कारवान है ये, तो ये कारवान है और ये बहुत ही भारी है भाई, ये तो बहुत ही भारी है, खतरनाक है। अरे भाई लोग आपको खिला रहे हैं, क्यों नहीं खिला रहे हैं? और कल क्या है, गौरी चिल्ड्रंस डे है, और आज गौरी के स्कूल में बहुत अच्छे से चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट हुआ था, बहुत मजा आया, इसने बहुत डांस किया। और ये क्यों रो रही है? क्योंकि इसको गेम खेलना है। ओके यहाँ पे ये वेदांत आ गया है अपने भाई के साथ गेम खेलने के लिए। मेरा भी मन कर रहा है खेलने का, बट मैं नहीं खेल सकती क्योंकि मुझे आता ही नहीं, और मैं ट्राई भी नहीं करना चाहती एक्चुअली, क्योंकि ये ऐसा वेब है अगर इसमें फंस गए ना तो निकलना बाहर है, तो मैं विदाउट गेम ही अच्छी हूँ, है ना, गेम में ज़्यादा वैसे स्कोप है अगर आप करो तो गेमिंग व्लॉगिंग। नहीं मुझे मुझे गेमिंग व्लॉगिंग नहीं करनी, मैं तो ऐसे नॉर्मली अपनी व्लॉगिंग कर लेती हूँ। उतरो 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 नीचे उतरो गौरा, और गौरा माँ क्या कर रही है, चलो माँ को देख के आते ओके, चलो माँ को देख के आते, माँ क्या कर रही है, माँ तो लेट गई है, माँ अभी पहले कंबल सही करती है, मुझे स्टिचिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, तो माँ मेरा कंबल सही करके वापस इस पर लेट गई है, ठंड हो गई है तो माँ रेस्ट कर रही है थोड़ा। और 4:30 बज चुका है, थोड़ी देर में चाय बनाएंगे और चाय पियेंगे, और मेरा काम बहुत लेट हो गया था। और एक गौरी का हौला हूप जो गौरी खरीद के लाई है ना गौरी, और गौरी बहुत अच्छा हौला हूप करती है, करके बताएगी क्या, करके बता, करके बता। और ये गौरी हौला हूप चला रही है, वाह गौरी चलाओ चलाओ चलाओ, ये अरे वाह मजा आ गया दोबारा से, ये 1, 2 और 3 स्टार्ट, जल्दी जल्दी, ये अरे वाह ग्रेट, और करो और करो और करो, वाह 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 वेरी गुड। और ये गौरी को बहुत ही अच्छा से चलाना आ गया, अभी ये प्रैक्टिस करती है, डेली डेली प्रैक्टिस करती है, इसके लिए लेके आए थे, इसे देख लिया था किसी वीडियो में, देखा था हॉलो, तब से इसको हो गया था कि मुझे चलाना है चलाना है। अब ये देखो अगेन, वाओ 1, 2, 3 स्टार्ट, अरे वाह ग्रेट, ये क्लैप करा जाए गौरी के लिए, यस गौरी बहुत ही अच्छा हॉला हो करने लग गई है, और ये सारे बहुत ही ज़्यादा बिजी हो गए, पोजीशन चेंज हो गई इन सारों की। मैंने गौरी की भाई एबिलिटी किस, और हाँ हाँ मणिपाल यूनिवर्सिटी में दिखाएगा ये आर्या सबको, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएगा, है ना आर्या। फाइनली गौरी सो गई है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ करके सोई है ये, इसको बोल रही थी कि मुझे भी खेलना है मुझे भी खेलना है, और ये इसका अंगूठा निकालते हैं और निकालती नहीं है, ये अंगूठा देखो, ये देखो अंगूठा नहीं निकालती है, इसको अंगूठे के पिया नींद नहीं आती, बड़ी बैड हैबिट है इसको निकाल। और शाम का बज गया है 5:30, और इन बच्चों को चाय पीनी है, तो मैंने सोचा इन लोगों को चाय के साथ एक कुछ अच्छा सा स्नैक्स खिलाया जाए, तो पार्टीज लेके आते हैं हम लोग जाएंगे प्रकाश बेकरी, और वहाँ से लेके आएंगे हम क्या चीज़ पार्टीज, और हम चलते हैं अपनी मस्त BMW पे। बताइए आप सबको मेरी BMW कौन सी है, ऑब्वियसली मेरी BMW कौन सी है, मेरी स्कूटी, हाँ जबरदस्त है भाई साहब, पीछे कर देती है अगर मैं अपने पे आ जाऊँगा तो बहुत जबरदस्त चलती है। और अब हम चलते हैं कहाँ, प्रकाश बेकरी, वहाँ से लेके आते हैं पार्टीज, मतमा गर्म पार्टीज, और खाएंगे हम लोग चाय के साथ, और मेरे साथ जा रहा है छोटू जो स्कूटर चलाएगा, और मैं पीछे ब्लॉग बनाऊँगी, बहुत टाइम बाद मैं पीछे बैठने वाली क्योंकि हमेशा मैं चलाती हूँ, और ये ना छोटू जो नीचे उतर रहा है और स्कूटर बाहर ही खड़ा हुआ है, तो ज़्यादा इसको कष्ट नहीं करना पड़ेगा कि ये बेसमेंट से बाहर निकाले, और हम चलते हैं बाहर। और आज मौसम ना बहुत धुंध वाला हो रहा है, आई डोंट नो पॉल्यूशन हो रहा है या धुंध है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और मौसम बहुत ठंडा हो रहा है, और सुबह से जब पूरे दिन काम करके घर के बाहर निकलने एक अलग ही फीलिंग आती है, मस्त वाली फीलिंग आती है, और इसने स्टार्ट कर दिया स्कूटर, और ये हम लोग चलते हैं दोनों जने, और ये चला रहा है, बहुत अच्छी वाली फीलिंग है यार, एकदम टेक्सचर हो रही है, एकदम स्वेटर की ज़रूरत पड़ेगी, अब थोड़ी देर में स्वेटी शर्ट वगैरह निकालने पड़ेंगे भाई, मैंने और हाँ ये तो स्वेटी शर्ट पहना हुआ है, मैंने पहनी नहीं, मुझे भी पहन के आनी थी, हल्की हल्की ठंडक सी लग रही है। चलो फिर हम लोग चलते हैं,
पैटीज लेने लिए हम लोग आ गए हैं प्रकाश बेकरी, और ये लेके आएगा गरम गरम पैटीज, और पैटीज की बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये रहा प्रकाश बेकरी और ये गया सुखी, और जब तक हम बाहर ही खड़े हैं और हम लोगों ने पैटीज ले लिए और अब हम जा रहे हैं घर की तरफ। और बस अब मुझे ना चाय दिख रही है क्योंकि शाम के टाइम मुझे सिर्फ चाय पीनी होती है, और अभी वही चल रही दिमाग से कि जाओ और घर जाके चाय बनाओ। और ये आ गई है पैटीज गर्मा गर्म, और ये आ रही है हमारा बहुत स्लो ईटर भी है और स्लो ड्रिंकर भी है। स्लो ड्रिंकर बोले तो दूध के मामले में पार्ट ऑफ जो ये दूध चाय पीता है, तो इसका दूध चाय माँ ने पहले बना दिया, और ये रही पैटीज, और हम लोग सारे पैटीज खाने वाले हैं और चाय पीने वाले हैं, एंजॉय करने वाले सामने रख रखी है। आज हमारी हो रही है पैटीज, और यहाँ माँ बना रही है चाय, और अब माँ अपना पल्लू ठीक कर रही है क्योंकि माँ का पल्लू बिखर नीचे जाती है, माँ सबसे पहले पल्लू ठीक करती है, और ये माँ चाय बना रही है। और ये माँ अब कल चली जाएगी और हम लोग माँ को बहुत मिस करेंगे क्योंकि माँ यहाँ कभी कभी आती है और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं जब माँ यहाँ पे आती है। और ये लोग यहाँ पे भी आ गए, पहले ये लोग वो वाला कमरा स्पॉइल करके आ गए हैं, अब ये सारे इस वाले कमरे में आ गए हैं, और यहाँ पे इन्होंने टीवी पे लगा दिया है अपना सेटअप, और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैंने इनको बोला है रात को कोई मूवी देखेंगे, बढ़िया थी, पर ये लोग कहाँ से नहीं है तो अपना गेम खेलने वाले, और जो आ गया है वो हमेशा बताता है हॉलीवुड मूवी जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं होती, अपने को तो बॉलीवुड मूवी अच्छी लगती है या फिर पंजाबी मूवीज अच्छी लगती है, है ना। तो और आज हम लोग मैं इन लोगों के लिए एक्चुअली कुछ स्पेशल बनाने वाली हूँ, बहुत टाइम बाद मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ बच्चों के लिए। आलू आ गया तो एक बहाना भी मिल गया कि चलो स्पेशल बना लेते हैं, तो होपफुली इसको डिनर अच्छा लगेगा आज का। तो अब मैं बताती हूँ, जाती हूँ किचन में और बनाती हूँ खाना। तो अब मैं किचन में आ गई हूँ और किचन में बन रहा है मेरा खाना, और ये बन रहा है, और अब खाना बनाते हैं उसके बाद मिलती हूँ मैं आपसे। और बस बच्चों ने खाना खा लिया है और मैं और गौरी बच्चे हैं अब, और गौरी शाम को आज जाना नहीं है क्योंकि वो आज बाहर पार्टी में गए हैं। और आज मैंने बनाया था बटर पनीर मसाला और मसाला प्याज, और ये गौरी अंगूठा ले रही है, खाना नहीं खाना है मोबाइल देखते, ये खाएगी मोबाइल देख के खाना, और मैं खाती हूँ खाना उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और अब हम लोग जा रहे हैं कहाँ, आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, शाम हम लोग का वेट कर रहे हैं नीचे, और हम सब लोग नीचे उतर गए और पापा आ गए हैं, और ये इसी के साथ शाम आ गए हैं जो हमें रात को 10:30 ले जा रहे हैं घुमाने के लिए आज यूजुअल, और ये हमेशा लेके जाते हैं। और आज आर्य आया है और बच्चा पार्टी आया है, इसी खुशी में आज हम लोग घूमने निकल गए, लॉन्ग ड्राइव तो नहीं, हाँ शॉर्ट ड्राइव मान के चलो आप लोग। क्या खाना है गौरी आपको? आइसक्रीम नहीं मिल खाते हैं ठंड में, नहीं आइसक्रीम खाती हूं, मिलती नहीं है आइसक्रीम, नहीं खाती हूं। कौन सी? गुलाबी वाली, गुलाबी वाली। और तुम लोग कौन सी खाने वाले हो सारे? कोई सी भी जो वहाँ मिलेगी। आर्या आर्या तो कुछ गरम गरम खाएगा, सूप जैसे पिएगा। नहीं नहीं, तो क्या खाएगा? देखते हैं। ओके, तो हम लोग चिल आउट करने के लिए जाते हैं और देखते हैं क्या मिलने वाला है रात को। 10:30 हो गए, ये देखो टाइम 10:30 और एकदम रोड पे हो रहा है सन्नाटा, खाली हमारी ही गाड़ी दिख रही है एकदम सन्नाटे में, और रात को घूमने का ना अलग ही मजा आता है। मेरे को बहुत ही शौक है घूमने आगे, और देखते हैं कहाँ पे क्या मिलने वाला है। कौन सी है ओ भाई, कौन वाली बचे इसको, कुल्फी कौन नहीं है जी, कुल्फी कौन सी लेनी है भाई बता दो। अरे कोई और लेनी तो ले ले, कसाटा भी टेस्टी है। कौन सी वो ग्रीन गौरी को कौन सी चाहिए? गुलाबी वाली। कौन सी है भाई? बताने जाने पता नहीं गुलाबी कौन सी है, मैंने तो ली है कसाटा, मेरी फेवरेट है ये, और शाम की भी फेवरेट है, हम दोनों की फेवरेट है कसाटा। और गौरी आज खा नहीं रही है क्योंकि उसका दिमाग सटक गया है आज। ये वाली बताने भाई, कौन सी कौन सी भाई? बोल के दिखा दे भाई, चोको ब्लैक भाई, ये चॉकलेट दिखाओ। हाँ। तो यार ये कौन ले रहा है? इतनी महंगी पार्ट ऑफ जो। फाइनली तो हम लोगों ने आइसक्रीम ले ली है, और इस बार वेदांत ने बहुत महंगी वाली आइसक्रीम ली है। मैं अच्छा हुआ ये मेरे साथ नहीं आया, शाम के साथ आया, क्योंकि मैं तो दिलाने वाली हूँ नहीं। देखो ये पहले आइसक्रीम दिलाते हैं और मैं पहले रेट पूछती हूँ, ये यंत्र होता है हम दोनों के अंदर। एनीवेज कोई बात नहीं। और वेदांत कैसी थी आइसक्रीम? कैसी है? यम्मी लग रही है। ओ यम्मी। गौरी की आइसक्रीम यम्मी। और आज का दिन बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मजा आया, बच्चे घर पे तो दिन भर चल पर रही, बहुत ही एक्साइटेड था आज का दिन। और
और अभी हम लोग लैपटॉप शिफ्ट करने आता है। हाँ, और अभी इन लोग का जो सेटअप है मैं वापस आप लोग को दिखाऊंगी और उसके बाद व्लॉग को एंड करूंगी मैं। और अब हम जाते हैं घर क्योंकि माँ अकेली है घर पे, तो हम जाएंगे माँ। और यहाँ पे बच्चा पार्टी से स्टार्ट हो गया गेम खेलने के लिए। तो गाइस अभी हम लोग खेल रहे हैं वैलोरेंट। कौन सा गेम खेल रहे हो? ये सारे जने गेम में लगे हुए हैं। अबे बड्डू पता नहीं कौन सा गेम खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे ब्लॉग की एडिटिंग करनी है तो मैं जाती हूँ अपना सामान लेके दूसरे रूम में और मेरे करूँगी ब्लॉग की एडिटिंग। और आज का जो ब्लॉग था आप लोगों को कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स के अंदर। अब मैं ब्लॉग की एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। और हाँ, चैनल को क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। तो तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर। और हाँ, सर्दियाँ आ रही है तो ध्यान रखिएगा सब लोग, हमारे जैसे आइसक्रीम मत खाइएगा। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय। हाँ, एक और बात, वो ये कल है चिल्ड्रंस डे, तो आप सभी को हैप्पी चिल्ड्रंस डे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का भी जन्मदिन है और आप सभी को दोबारा से विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी चिल्ड्रंस डे। एंजॉय योर डे, आई लव योर हेड।